बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं FirstBite.tv। व्हाट्सएप ऐप को अपनी है सोच, बदलनी पड़ गई है कि वह जो भी पॉलिसी बनाएगा उपभोक्ता को उसे स्वीकार ही करना पड़ेगा। दुनिया भर के लोगों की बढ़ती नाराजगी के कारण व्हाट्सएप ऐप को अपने कदम पीछे खींचने पड़ गए हैं। प्राइवेसी पॉलिसी को कंपनी ने अगले 3 माह के लिए टाल दिया है। इससे पहले कंपनी ने कहा था कि जिसे उसकी नई पॉलिसी स्वीकार्य नहीं है 8 फरवरी के बाद उसका व्हाट्सएप ऐप काम करना बंद कर सकता है। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में गुरुवार को एक याचिका भी दाखिल की गई है। इस नई पॉलिसी के चलते ही अप्रत्याशित संख्या में यूजर ने सिग्नल व टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप डाउनलोड कर लिए हैं। आर्थिक दृष्टि से यह चोट भी व्हाट्सएप पर पड़ी है। अब प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कंपनी ने घोषणा की है कि वह 3 महीने के लिए टाल दी गई है। कंपनी का कहना है कि इस पॉलिसी को लेकर लोग भ्रम में हैं। लोगों के भ्रम में और गलत जानकारियों के कारण नीतियों को थोड़े समय के लिए टाला जा रहा है। प्राइवेसी पॉलिसी के लिए किसी के भी व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट नहीं किया जाएगा। कंपनी ने यहां तक कह दिया है कि इस तरह की योजना कभी थी ही नहीं। बता दें कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को स्वीकार करते ही व्हाट्सएप को फेसबुक समेत अन्य सहयोगी कंपनियों के साथ डेटा शेयर करने की इजाज़त मिल जाती है। वहीं अगर कोई उपभोक्ता व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को स्वीकार नहीं करता है तो 8 फरवरी के बाद उसका व्हाट्सएप काम करना बंद कर सकता है। इस बीच बीते गुरुवार व्हाट्सएप की आगामी डेटा व प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अधिवक्ता चैतन्य रोहिल्ला की तरफ से एक याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि यह नीति भारत के नागरिकों की निजता के अधिकार का हनन करती है। यह नीति किसी भी व्यक्ति की ऑनलाइन गतिविधि में 360 डिग्री प्रोफाइल व्यू देती है। इसके साथ ही याचिका में व्यक्ति की राइट टू प्राइवेसी का हवाला देते हुए कहा गया है कि इसमें किसी भी व्यक्ति की निजी और व्यक्तिगत गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार।